निशुल्क एम्बुलेंस सेवा 108 में कार्यरत कर्मियों के बेमियादी हड़ताल पर चले जाने से चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई। बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंचने के लिए 108 पर कॉल करने पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से बेहाल हुए हड़ताली एम्बुलेंस कर्मियों ने अत्यधिक इमरजेंसी की स्थिति वाले मरीजों को कोई परेशानी नहीं आने का दावा किया है। अपने विभिन्न लंबित मांगों को लेकर 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी सोमवार सुबह हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से 108 एम्बुलेंस का संचालन थम गया। अस्पताल पहुंचने के लिए 108 पर कॉल करने वाले तमाम मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिली। उन्हें अस्पताल पहुंचने के लिए दूसरे साधनों का इंतजाम करना पड़ा। एम्बुलेंस कर्मियों ने इमरजेंसी वाले मरीजों का पूरा ध्यान रखे जाने का दावा किया है। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रवक्ता रणवीर सेवा प्रभारी जितेंद्र सिसोदिया ने कहा कि हड़ताल के दौरान जिले में 108 की संचालित होने वाली 57 में से 52 एम्बुलेंस ठप रही, जबकि अत्यधिक इमरजेंसी वाले मरीजों को अस्पताल अनिवार्य रूप से पहुंचाए जाने के मद्देनजर 5 एम्बुलेंस का संचालन जारी रखा गया। प्रत्येक तहसील में एक एक एम्बुलेंस चलाई गई। रणवीर ने कहा कि हमारे आंदोलन की वजह से किसी मरीज की जान पर खतरा नहीं आने देने पर फोकस किया गया है। कहा कि हड़ताल के दौरान इमरजेंसी वाले मरीज अधिक होने की स्थिति में और अधिक एम्बुलेंस का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए मरीज की जिंदगी बचाने और उसे समय से अस्पताल पहुँचाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमारा नाम रणवीर सिंह है जी। देखिए, पिछले 3 दिनों से हमारा शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, जिसमें हमने यह कहा कि अगर हमारी मांगे सरकार मान लेती है तब तो हम कार्य बहिष्कार नहीं करते, और सरकार हमसे बातचीत करे, सरकार का कोई प्रतिनिधि आए, शासन प्रशासन का कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया। इसमें 3 प्रकार की एम्बुलेंसें चलती हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, एयरलेस 108, 102। एयरलेस एम्बुलेंस का जो ठेका है वो ZHL कंपनी को सरकार देती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कर्मचारियों का कोई भविष्य के लिए कोई बात नहीं करती है। वो कंपनी नहीं आती है, टेंडर लेने के बाद में अपनी भर्तियां शुरू कर देती है, लेकिन उसमें कार्यरत हमारे जो कर्मचारी हैं 1200-1300 कर्मचारी हैं जो बेरोजगारी की कगार पर खड़े हुए हैं। जब पिछली कंपनी के पास में उसका ठेका नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा, तो वो क्यों रखेगी उसको वो बेरोजगारी के कगार पे, जबकि पिछले 9 वर्षों से लगातार वो लोग सेवा दे रहे हैं, अब वो कहाँ जाएं? क्या आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? मुख्य मांगे ये हैं कि हमारी नौकरी का स्थायित्व हो, सरकार इस विषय में बहुत गहनता से विचार करे, और चाहे वो कंपनी 4 बदले 6 बदले हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी मांग मुख्य ये है NHM में शामिल करें, हमें NHM में शामिल करे, ठेका प्रथा से हमें निजात दिलवाए सरकार। कारण आपकी मांगे नहीं पूरी होती है, क्या आपकी रणनीति आगे रहेगी? रणनीति देखिए, प्रदेश कमेटी हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी हनुमान पांडे जी के निर्देशानुसार हमारे पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस सेवाएं कार्य बहिष्कार किया है, और प्रत्येक ज़िले में 5 एम्बुलेंसें ऐसी चिन्हित की गई हैं जो किसी भी कंडीशन में जो इमरजेंसी सेवाएँ दे सके हमारी, उनको तत्काल प्रभाव से कोई जनहानि ना हो पाए, इसलिए वो चिन्हित की गई हैं। अगर सरकार फिर भी संज्ञान नहीं लेती है तो उनको भी प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि उनको भी बंद कर दिया जाएगा 24 घंटे के बाद में। कब से कब तक आपका धरना ये जारी रहेगा? ये अभी अनिश्चितकालीन तक के लिए कार्य बहिष्कार है, इसका कोई पता नहीं। जब तक सरकार और हमारी प्रदेश कमेटी के बीच में कोई समझौता नहीं हो जाता, जब तक ये बरकरार रहेगा इसी तरह से। आपकी